बाद पिछले कई सालों से हमारी तरफ से उनके पास ऐसा नहीं किया गया। हम अपनी तरफ से उनको प्रेफर्ड कंट्री भी माना, फॉर ट्रेड, फॉर इकोनॉमी, फॉर एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ, हर रोज कोई ना कोई हमारी ऐसी घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं रिपीट हो रही हैं। दुख पूरे देश को है और दुख इस काम बात का भी है कि आज की सरकार जब वो आई, हम सब ने इसलिए भी उनके लिए वोट किया कि वह जो आएंगे हमारे देश की सुरक्षा का जो पॉलिसी है वो सख्त बनाएंगे आतंकवाद के। मुझे याद है हेमराज जी का जब सिर काटा गया आज से 4.5 साल पहले, सुषमा स्वराज जी जो आज की फॉरेन मिनिस्टर है वो उनके घर गई और उनकी धर्मपत्नी से उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान एक सिर काटेगा तो हम 10 सिर काट के लाएंगे। कहाँ है वो 10 सिर? उरी हुआ, पठानकोट हुआ, अभी ये देखो 44 हमारे जवान। और ऐसा करने दिया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी अवेलेबल। 3 दिन पहले 4 दिन पहले ऐसा बताया गया, ये सुनने को आ रहा है धुआं से होने। देखिए बदला बिल्कुल आसान है, बदला बिल्कुल आसान है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, वहाँ पे हमारे पास उन पाकिस्तान के आतंकवादियों के 42 अड्डे हैं। 42 अड्डों को उखाड़ दो, ये हमारी पार्लियामेंट ने भी पास किया हुआ है, कौन रोकता है उसको? वो हमारा देश है। और दूसरी बात, अपनी डिफेंस फोर्सेस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आज हमने सुना अपने प्रधानमंत्री जी को वाराणसी में बोलते हुए, उन्होंने बोला कि मैंने पूरी खुली छुट्टी दे दी है। आई विश ही शुड हैव डन इट 4.5 ईयर्स बैक। और ऐसा आज हमें देखने को ना आता। हिंदुस्तान की फौज बहुत तगड़ी है, हिंदुस्तान के पास मनोबल तगड़ा है। इसलिए देशवासियों, आपके माध्यम से आज सबको ये कहना चाहता हूँ कि सैनिकों की शहादत उस वक्त होनी चाहिए जब कोई ऐसी जरूरत हो, ऐसे आतंकवादियों से हमारे को ऐसे शहादत मत करवाइए। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है या फिर देश को सख्त एक्शन लेने की? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा है और हम हर रोज करते हैं। हाँ, वो एक स्पेशल मिशन का भी अंदर को था, बहुत अच्छे तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेज ने किया। एक नहीं, जितनी भी जरूरत है उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और हमारे POK के अंदर जहाँ से भी नाके हैं, जहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं, हर रोज आ जाता है। अब कश्मीर में 600 आतंकवादी हैं, 700 आतंकवादी हैं। अरे कैसे हैं, कैसे हैं? हमें अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल ऑपरेशंस जल्दी से जल्दी करें। हमें अपना देशवासियों को ये जो डिफेंस पॉलिसी है उसको बदली करें और सख्त करें और ऐसे सिर मत कटवाएं हमारे, जो कि आपने बोला 1 से 10, अभी 800, मतलब 80 लोग तो चले गए हमारे कुछ दोस्त 3 सालों में। 800 लोग उनके सिर काट के लाइए ताकि भारतवर्ष को फखर हो फिर अपने गवर्नमेंट्स के ऊपर। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने जो आज कायरता दिखाई है, अगर पाकिस्तान में दम है हमारी सेना से लड़ने का तो सामने आके मुकाबला करे। जो ये बुजदिलों की तरह हमारे पीछे से वार करते हैं पाकिस्तान को, अभी मैं सेनाओं से कि कभी उरी में अटैक होता, कभी पठानकोट में अटैक होता है, बहुत हो चुका। एक एक करके मरने से अच्छा कि एक साथ ही पूरे पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। कितनी तकलीफ होती है, कहने को होता कि एक शहीद हुआ है, उस एक शहीद के पीछे कितने लोगों का अंधकारमय जीवन हो जाता है, बूढ़े माँ बाप का सहारा चला जाता है, विधवा बहनें, कितनी आज हमारी विधवा बहनें हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो किस चीज का इंतजार कर रही है हमारी सेनाएं? मैं जनरल रावत से भी अनुरोध करती हूँ कि आप ऑर्डर दीजिए अपनी सेनाओं को, जितने हमारे सैनिकों को मारा है उससे 3-10 गुना ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के मरने चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच में 56 इंच की छाती रखते हैं तो इसका बदला बिना बोले करके दिखाना होगा हमारी सेनाओं को। ऐसे हमने तिल तिल करके मरना मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को वो ही सबक सिखाना होगा जो 71 की लड़ाई में भारत की फौज ने सिखाया था। अरे 93,000 फौजियों को बंदी बनाया था, क्यों छोड़ा गया था उन बंदियों को?
उस टाइम कश्मीर का मसला हल किया गया। अगर सरकारें चाहें तो कश्मीर का मसला अगर हल करना चाहती हैं सच में, देश में शांति बनाना चाहती हैं सरकारें, तो पाकिस्तान अपने कश्मीर को सेना के हवाले कर दो। 6 महीने के अंदर बिना देश के नुकसान किए हुए 6 महीने के अंदर हमारी सेना शांति बहाल कर सकती है, बट ये नेता ऐसा नहीं चाहेंगे। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के नेता यही सोचते सिर्फ अपने वोटों के लिए राजनीति करते हैं। मरते हैं तो हमारे भाई बहन मरते हैं, मरते हैं तो किसान का बच्चा मरता है, मरता है तो फौजी का बच्चा मरता है, किसी नेता का बच्चा मरे तो ये कब का सुलह कर ली होती उन्होंने। लेकिन देश की जनता से अनुरोध करती हूँ कि नेताओं को मत सुनो, वो सिर्फ अपने वोटों के लिए लड़ते हैं। आज सारे देश को एक हो जाना चाहिए और जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जो हमारी विधवा बहनें हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। आज एक दिन के लिए सब नेताओं की लाइन लग जाएगी शहीदों के घर में, उसके बाद मेरी विधवा बहनों को पूछने वाला कोई नहीं है। सब सिर्फ दिखावा करते हैं, कितनी विधवा बहनें हमारी कैसे 9-9 हज़ार रुपये में आज की तारीख में गुजारा कर रही हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर फौजी देश के लिए मरता है, देश के लिए लड़ता है, तो देशवासियों आप चुप क्यों हो? कहाँ गए हमारे बुद्धिजीव? अगर सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाले को अगर गाड़ी पे एक नेजर ने बिठा दिया तो उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, उसके लिए बुद्धिजीव आ जाते हैं कि उसका ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करते हैं। अरे हमारे सैनिकों के ऊपर जानलेवा हमला होते हैं, 40-40 सैनिक हमारे शहीद हो गए, तो आज वो बुद्धिजीव कहाँ घुसे हुए हैं? बहुत दुख होता है। कुछ भी नहीं। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज ये भी फैसला लिया गया।